नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज सबसे पहले अंतरिक्ष में भारत की विजय श्री का विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसी विजय है जिस पर दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है, क्योंकि भारत चौथा ऐसा देश बनने जा रहा है जो आज से 48वें दिन चांद की जमीन पर उतरेगा। दिलचस्प बात यह है कि आज ही तिरंगे का जन्मदिन है, और आज तिरंगे के जन्मदिन पर दुनिया को भारत ने अपनी अंतरिक्ष वाली शक्ति दिखाई है। चांद के सफर पर हमारा चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये भारत के लिए बहुत गर्व और उल्लास का दिन है। इसे किसी त्योहार से कम मत समझिएगा। आज देश को अपने उन वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने इस मिशन इम्पॉसिबल को चैलेंज लिया और उसे मुमकिन बनाकर दुनिया को दिखा दिया। क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर चंद्रयान के उस लॉन्च की दोबारा तैयारी कर ली जाए जिसे 15 जुलाई को अचानक रोकना पड़ा था। चुनौती ये थी कि चंद्रयान को अगर अगले कुछ दिनों में लॉन्च नहीं किया जाता तो फिर अक्टूबर तक का वक्त लग सकता था, और हो सकता था कि कई और महीने भी लग जाए। लेकिन इसरो की टीम ने दिन रात एक कर दिया और 7 दिन के अंदर ही आज की नई तारीख दे दी थी। दोपहर 2:43 पर जैसे ही भारत के बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 ने उड़ान भरी और 16 मिनट में चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया, वैसे ही श्रीहरिकोटा में मौजूद इसरो के वैज्ञानिक खुशी से उछल पड़े। पूरे देश और दुनिया की नजर उन पर थी और उन्होंने इस बार निराश नहीं किया। चंद्रयान को लॉन्च करने का सबसे सही समय 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई का था, लेकिन 15 जुलाई को तय समय पर चंद्रयान लॉन्च नहीं हो पाया था। 7 दिन में ही इसरो की टीम ने दमदार वापसी की और इस बार सुनिश्चित कर दिया कि कहीं पर कोई चूक नहीं होगी। लॉन्च के 16 मिनट में चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। अगले 23 दिन तक चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसके बाद चंद्रयान 7 दिन में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। 13 दिन चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा के चक्कर लगाएगा। 43वें दिन चंद्रयान के ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम अलग हो जाएगा। लैंडर विक्रम 48वें दिन चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के 4 घंटे में रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आएगा, और रोवर प्रज्ञान 14 दिन में चंद्रमा की सतह पर 500 मीटर की दूरी तय करेगा। अब ये रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरकर क्या क्या काम करेगा, कौन सी नई खोज करेगा, ये भी हम आपको बताते हैं। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह की रासायनिक जांच करेगा। चांद की सतह पर पानी और खनिज का पता लगाएगा। चंद्रयान ये जांचेगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं आते हैं। चंद्रयान 2 के साथ 8 पेलोड हैं जिनके अलग अलग काम हैं। इनमें प्रमुख है चांद की सतह का नक्शा तैयार करना जिससे चांद के अस्तित्व और उसके विकास का पता लगाने की कोशिश होगी। सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को मापना, चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचना, ध्रुवीय क्षेत्र के गड्ढों में बर्फ के रूप में जमे पानी का पता लगाना और चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना। आज चंद्रयान 2 का लॉन्च उम्मीदों से बहुत बेहतर रहा है। अगर आज ये लॉन्च न होता तो अगला मौका 3 महीने बाद जाकर मिलता। आप यहां से देखिए 7 6 5 4 3 2 1 0 समय आप देख रहे हैं 2S200 रॉकेट। ये चांद की जमीन पर ले जाने वाले उस सफर पर भारत की नई उड़ान है, जिस सफर को आज तक दुनिया के सिर्फ 3 देश ही पूरा कर पाए। लेकिन ये इसरो की टीम इंडिया ही जानती है कि कैसे चुनौतियों के बीच वो देश के लिए गर्व का ये पल लेकर आए। टुडे इज अ हिस्टोरिकल डे फॉर स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ए सीरियस टेक्निकल स्नैग वी हैड एंड वी फिक्स्ड दैट टेक्निकल स्नैग। नाउ इसरो बाउंस बैक विथ फ्लाइंग कलर्स। मिशन कंट्रोल कक्ष में इतनी खुशी का लहर, खुशी का माहौल है। सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पिछले 7 दिन में इसरो की टीम ने दिन रात एक कर दिया। आसान नहीं होता इतने कम समय में इतने बड़े मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार कर देना। वैज्ञानिकों के साथ पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई थी जब काउंट डाउन खत्म हो रहा था। 7 6 5 4 3 2 1 0 ये पूरे देश को सुकून देने वाली तस्वीर थी।
जब दोपहर 2:43 पर GSLV रॉकेट चंद्रयान 2 को लेकर उड़ा। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, आगे सबसे मुश्किल 16 मिनट ऊपर की ओर जा रहे हैं। L110 जो कि हमारा दूसरा मुख्य रॉकेट है, उसका मिशन हो गया है, उसके दोनों इंजन डिलीट हो गए हैं। जैसे जैसे चंद्रयान एक एक स्टेज पार कर रहा था, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरों पर तनाव कम होता दिख रहा था। अब सब उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचना था। 16 मिनट के बाद जैसे ही चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में बिना किसी दिक्कत के पहुंच गया तो वैज्ञानिक झूम उठे। कक्षीवन ग्रीटिंग और टेकिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम हिज सीनियर्स, क्योंकि चंद्रयान ने सफर की पहली मंजिल तय कर ली थी। अब से 23 दिन तक चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। पिछले 7 दिन की मेहनत आखिरकार रंग लाई। इंजन शट ऑफ दिया, कमांड दे दिया। इफ यू आर सेइंग दिस पर्टिकुलर मामथ टास्क इज पॉसिबल और इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी हार्ड वर्क बाय द टीम इसरो। दे आर वर्किंग कंटिन्यूअसली, फॉरगेट अबाउट देयर फैमिलीज, sacrificing their interest, but non-stop mode they work to ensure that the snag is fixed properly. In addition to that, the expert team constituted was really on the job for last 7 days so that to ensure that every systems are function properly. It is my duty to salute all the people who have done the work. Make it happen successfully. 15 जुलाई को 56 मिनट 24 सेकंड पहले जिस तकनीकी दिक्कत से लॉन्च को रोकना पड़ा था, उसे 7 दिन में ही दूर कर 22 जुलाई यानी आज के लिए लॉन्च डेट भी दे दी गई और कामयाबी से लॉन्च भी कर दिया। 640 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लॉन्च के एक एक पल को देख रहे थे। ग्राउंड स्टेशन अभी बहुत जोर से क्लाइमिंग हो रही है, इसके मतलब हमारे पास में कुछ संकेत प्राप्त हो गए हैं। चंद्रयान 2 मिशन के सफल लॉन्च पर आपको और इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज का यह सफल लॉन्च पूरे देश और सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है। पिछले सप्ताह तकनीकी कारणों से लॉन्च स्थगित करना पड़ा था, उसके बाद आपने और इसरो की टीम ने बहुत तत्परता से तकनीकी खराबी का पता लगाया और उसे हल करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए और अब एक हफ्ते के भीतर ही लॉन्च में सफलता हासिल की है। इसके लिए आप सभी विशेष बधाई के पात्र हैं। रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश हमारा हिंदुस्तान है जो चांद की जमीन को छूने के लिए निकल चुका है। आज से 48वें दिन चंद्रयान 2 की चांद पर लैंडिंग होगी। एक्चुअली इट इज द बिगिनिंग ऑफ ए हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स मून। भारत के इस दूसरे मून मिशन के अगले 1.5 महीने चुनौती से भरे जरूर हैं, लेकिन इससे पहले की सबसे बड़ी मुश्किल चुनौतियों को पार कर जिस तरह से आज इसरो की टीम ने चंद्रयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उससे देश का विश्वास यही है कि आगे कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। 2:43 पर इग्निशन शुरू हुआ और उसके बाद रॉकेट बड़ी तेजी से ऊपर उठा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो धुआं निकला है उसको हम यहाँ पर बादलों के अंदर मर्ज होते हुए देख सकते हैं, किस तरीके से वो मिल रहा है। और जिस तरीके से रॉकेट ऊपर उठा उससे कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में घबराहट हुई, जिसको देखकर लोग एक्साइट हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 2 की अभी तक की अगर हम स्थिति की बात करें तो सारी स्टेजेस एकदम सामान्य है, सारी चीजें एकदम सामान्य तरीके से चल रही हैं और ये रॉकेट बड़ी तेजी से पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 2 को स्थापित करेगा। श्रीहरिकोटा से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। संकेत प्राप्त हो गए हैं सैटेलाइट के द्वारा। यह भी भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि मिशन चंद्रयान 2 की अगुवाई 2 महिला वैज्ञानिकों ने की है। वैसे तो मिशन मून से लेकर मिशन मार्स तक इसरो में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन चंद्रयान 2 के जरिए पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला वैज्ञानिकों के नेतृत्व में इसरो का मिशन लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुथैया वनिता और मिशन डायरेक्टर ऋतु कारिधाल हैं। मुथैया वनिता 20 साल से इसरो में काम कर रही हैं।
जबकि लखनऊ की ऋतु कारिधाल ने 2007 में इसरो ज्वाइन किया था। मुथैया वनिता को इस साल विज्ञान पत्रिका नेचर द्वारा टॉप 10 वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। ऋतु कारिधाल को भी भारत की रॉकेट वुमन के तौर पर जाना जाता है। ऋतु कारिधाल भारत के मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर रह चुकी है। यहां आपको ये जानकर गर्व होगा कि इसरो के वैज्ञानिकों में करीब 30% महिलाएं हैं। वैसे तो भारत 11 साल पहले चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च कर चुका है, लेकिन वो एक ऑर्बिटर मिशन था। इस बार भारत की पहली कोशिश है कि वो चंद्रमा की सतह को छुए। हमने चांद के लिए सफर की दमदार शुरुआत की है। 7 सितंबर को वो तारीख है जब हमारे चंद्रयान के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की जमीन पर होंगे। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि हमारा सपना अगले 2 साल में चंद्रमा पर पहली बार किसी भारतीय को ले जाने का है। आज श्रीहरिकोटा में लॉन्च के बाद क्या माहौल रहा वो आपको बताते हैं। चंद्रयान 2 के सक्सेसफुल लॉन्च के साथ हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। आइए बताइए, आपने इतिहास को अपनी आंखों से देखा, कैसा लगा? आप मॉडल लेके भी घूम रहे हैं। बिल्कुल मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि इतना बड़ा इवेंट हम लोगों ने किया है और कितने आगे हम लोग इसरो में जाने, इसरो हमारा जो है वो जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी बहुत स्लो जाती है, तो हम लोग साइंस के एक्टिविस्ट हैं और हम लोग बच्चों में ये रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस की जानकारी यहाँ से सब जमा करके बच्चों को। और भारत इस वक्त चांद पर पहुंच रहा है। कितना? हाँ जी, तो कितना खुशी है। आपने कब से प्लान किया था, आप आएंगे? पिछले हफ्ते भी आए थे? हाँ मैडम, मेरा नाम रश्मि वर्मा है। मैं पिछले समय भी आई थी यहाँ पर, लेकिन लॉन्च कैंसिल होने की वजह से हम फिर से पुनः दोबारा यहाँ पे आए हैं। ये मेरे मिस्टर नीरज वर्मा है, मैं इनके साथ मिलकर काम करती हूँ और ग्रामीण बच्चों को ये सब जानकारी ले जाकर उन्हें हम समझाते हैं। मैडम मॉडल लेके घूम रहे हैं और बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद से आए हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा देख के। तो हम लोग तो कल रात को आए इधर, तो हम लोग तो पहली बार आया, हम लोग तो सडन सरप्राइज से आ गया इधर। रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया। ये बताइए, एक भारतीय होने के नाते कितना आपको फख्र है, कितना आप खुश हैं इसको? हमारी जिंदगी तो खुश हो गया अभी तो, ये देख के तो बहुत अच्छा हुआ हम लोगों को तो। हुआ, आप कहाँ से? हम भी हैदराबाद से आए हैं। एक ही परिवार से? एक ही परिवार से, बच्चों को दिखाने के लिए लेके आए थे। भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और ऐसा लगा, ऐसा हमने कभी महसूस नहीं किया था। वो रॉकेट जो उसकी गूंज थी ना, वो दिल में मतलब धड़कन तेज कर दी है उसने। और बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए। वैसे तो चांद की सतह पर रूस, अमेरिका और चीन पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत का मिशन मून पहले के 3 देशों से अलग है। ऐसा क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। भारत के मिशन चंद्रयान 2 का लक्ष्य चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। पहली बार किसी देश का मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव वो हिस्सा है जहां रूस, अमेरिका, चीन ने भी जाने की कोशिश नहीं की। 2024 में अमेरिका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव मिशन को भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। दक्षिणी ध्रुव के बारे में माना जाता है कि वहां पर बर्फ के रूप में मौजूद पानी मिलने की संभावना ज्यादा है। अगर चंद्रयान 2 दक्षिणी ध्रुव पर पानी का पता लगा लेता है तो यह क्रांतिकारी खोज होगी। इससे चांद पर इंसानों के रहने लायक इंतजाम करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। इसके अलावा चंद्रमा को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में नई खोज का रास्ता खुल जाएगा। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, जिन्हें हिंदुस्तानी नाम भी दिए गए हैं। लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए है। गर्व करने वाली बात और एक और अच्छी बात यह है कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। चंद्रयान 2 के साथ 3 पेलोड यूरोप ने, 2 अमेरिका ने, 1 पेलोड बुल्गारिया ने भी भेजा है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम चंद्रयान की सफलता का विश्लेषण जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत अंतरिक्ष के बिजनेस का गेम चेंजर बन चुका है। रहिए खबरदार। आज चंद्रयान 2 की सफलता पर क्रेडिट वाली राजनीतिक लड़ाई भी हुई है। कांग्रेस ने इस मौके पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान का जिक्र किया तो उनके राजनीतिक विरोधियों ने इसकी आलोचना की। लेकिन इस क्रेडिट वॉर में हमें यह नहीं भूलना चाहिए, ये हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश को उस काबिलियत तक पहुंचाया जहां आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का नाम गूंज रहा है।
और ये सब हमारे वैज्ञानिकों की बरसों की तपस्या से संभव हुआ है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 किसी देश को गर्व के ऐसे पल उस तपस्या से मिलते हैं जो तपस्या हर मुश्किल और हर चुनौती के बीच पिछले 60-70 साल में हमारे वैज्ञानिकों ने की, क्योंकि आज हम चांद की जमीन को छूने के लिए निकले तो कभी ऐसा वक्त भी था जब साइकिल और बैलगाड़ी में रखकर लॉन्च पैड तक रॉकेट और सैटेलाइट लाए जाते थे। सफर में संघर्ष का एक दौर था, जो सफर 1962 में तब शुरू हुआ जब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च संस्था बनाई गई। 21 नवंबर 1963 ये वो दिन था जब केरल के त्रिवेंद्रम में छोटे से गांव तुम्बा में भारत ने रूस, अमेरिका और फ्रांस की उंगली पकड़कर अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा था। भारत की धरती से अंतरिक्ष में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। देश के अंतरिक्ष मिशन के जनक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई उस दिन बहुत खुश थे। उनकी वर्षों की मेहनत रंग ला रही थी, एक बड़ा सपना सच होने जा रहा था। It is not accidental that on the soil of India, the great space powers, the United States, the USSR and France, are collaborating with us at the equatorial range near Tumba. And even the United Nations sponsorship of this range is not merely a matter of form, but constitutes an umbrella under which, regardless of political differences, nations can collaborate in the peaceful uses of outer space. ये वो वक्त था जब इसरो का नामकरण भी नहीं हुआ था। अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की राह मुश्किल दिख रही थी। यही वजह है कि भारत को अपना पहला सैटेलाइट छोड़ने में अगले 12 साल लग गए, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश तकनीकी देने को तैयार नहीं थे। ऊपर से लोग इस बात की आलोचना कर रहे थे कि भारत जैसे गरीब देश में स्पेस मिशन की क्या जरूरत, लेकिन विक्रम साराभाई ने इसे देश के आत्मविश्वास से जोड़ा। In my opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about. लेकिन इन दिक्कतों से जूझते हुए 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रूस की मदद से लॉन्च किया। 1992 तक आते आते भारत ने पूर्ण रूप से स्वदेशी सैटेलाइट बना लिया। 1993 से अपना खुद का रॉकेट लॉन्चर। इसके बाद भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक के बाद एक कामयाबी की ऐसी उड़ान भरी कि दुनिया देखती रह गई कि कैसे भारत चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच गया। गुजरे हुए वक्त को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पृथ्वी और चांद के बीच जो खिड़की है वो बस जरा सी खुली है। नासा के अनुसार अब तक चांद पर 109 मिशन गए हैं, जिनमें से 61 कामयाब रहे और 48 मिशन फेल हो गए। चांद पर जाने वाले 60% मिशन फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां जाना तकनीकी तौर पर बहुत जटिल होता है। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक दौर में चांद को मुट्ठी में करने की जंग छिड़ गई थी, लेकिन उस समय इन दोनों देशों का फोकस रिसर्च से ज्यादा चांद पर झंडे गाड़ने और पॉलिटिकल पिकनिक मनाने पर था। शुरुआत में रोबोटिक मिशन भेजे गए, लेकिन उनमें सोवियत संघ को आगे निकलता देखकर अमेरिका ने चांद पर वॉक करने के लिए इंसान को भेजने का मिशन बनाया और 20 जुलाई 1969 को यह सपना भी पूरा हो गया। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद पर चहलकदमी की। इसके बाद यह होड़ भी अपना वजूद खो बैठी। 1970 के दशक में चांद की तरफ से इंसान का ध्यान हट गया और अमेरिका और सोवियत ने चांद पर मिशन भेजना बंद कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि इंसान के पास मंगल ग्रह के बारे में चांद से ज्यादा जानकारियां हैं। 70 के दशक के बाद सोवियत संघ ने तो कोई मिशन नहीं भेजा, जबकि अमेरिका सिर्फ ऑर्बिटर से काम चलाता रहा। इसके बाद 90 के दशक में जापान ने एक ऑर्बिटर मिशन भेजा, जिसमें चांद पर पानी के निशान मिलने की संभावना दिखाई दी और हीलियम 3 नजर आई, जिसे भविष्य का ईंधन माना जाता है। जब अंतरिक्ष के मिशन की बात आती है तो हमारे यहाँ एक वर्ग देश को कोसने में भी पीछे नहीं रहता। दूसरे विकसित देश भी यही प्रचार करते थे कि भारत तो गरीब देश है, उसे अंतरिक्ष के खर्चीले कार्यक्रमों पर पैसा लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन आज दुनिया भारत की तरफ हैरानी से देख रही है, क्योंकि भारत अंतरिक्ष की दुनिया के बिजनेस का गेम चेंजर बन गया है। नासा के अपोलो मिशन की कुल लागत करीब 1,93,000 करोड़ रुपए थी।
अगर इसकी गणना आज के दौर की महंगाई के हिसाब से की जाए तो यह खर्च करीब 20 लाख करोड़ रुपए होगा। इसमें रॉकेट और अन्य उपकरण इजाद करने से लेकर रिसर्च करने और लॉन्च करने तक के सारे खर्च शामिल हैं। भारत का चंद्रयान 1 मिशन 386 करोड़ रुपए में तैयार हो गया था। चंद्रयान 2 की लागत करीब 978 करोड़ रुपए है, जबकि हॉलीवुड की फिल्म अवेंजर्स एंडगेम की लागत 2443 करोड़ रुपए है। ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में अमेरिका की हिस्सेदारी 60% की है, चीन की 3%, भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 0.6%। ऐसे में इस बिजनेस में भारत की संभावनाओं के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। इसरो की कंपनी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सैटेलाइट लॉन्चिंग से 2011 और 2016 के बीच 896 करोड़ रुपए कमाए हैं। पहले के मुकाबले अब चांद पर जाने वाले मिशन्स को लेकर सोच में बदलाव आया है। अब मिशन्स की उपयोगिता पर गौर किया जाता है, कितना खर्च होगा और इस खर्च से क्या मिलेगा, ये आज की अंतरिक्ष क्रांति का अहम आधार है और इसमें चंद्रयान 2 सबसे आगे तिरंगा लेकर शान से चलता नजर आता है। भारत ने आज चांद को जीतने वाली लंबी छलांग लगा दी, लेकिन यही भारत हिंसक भीड़ से हार रहा है। 17 जुलाई की यूपी के सोनभद्र की घटना आपके जहन से उतरी नहीं होगी। वहां जमीन को लेकर 10 आदिवासी मार दिए गए थे। आज उसी हिंसा की कुछ तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें डराती हैं और सवाल उठाती हैं कि जो भारत दुनिया को अपने चंद्रयान मिशन की तारीफ करने पर मजबूर कर सकता है, उसी भारत की एक सच्चाई सोनभद्र भी है। सोनभद्र में 90 बीघा जमीन के लिए ट्रैक्टरों में भर कर आई हिंसक भीड़ ने ऐसा उपद्रव मचाया था कि एक गांव मानो शमशान बन गया। 17 जुलाई के सोनभद्र कांड की कुछ मिनटों की यह तस्वीरें देखिए और इस घटना की क्रूरता का अंदाजा लगाइए। कौन तो भैया बंदूक निकाला मार के मारा बंदूक बड़का बंदूक बाल का साचन खाकर भाग रहे टाटा सोनभद्र कांड की यह तस्वीर हमने आपको इसीलिए दिखाई ताकि आप खबरदार रहें और आपके शहर गांव और मोहल्लों में ऐसी कोई नौबत ना आए जिसके लिए प्रशासन को और सरकार को बार बार नींद से जगाते रहें। अब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां खुद भी उठानी पड़ती हैं। आज आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़ा एक बहुत खास दिन है। 1947 में आजादी मिलने से पहले आज भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश का चेहरा होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो यह झंडा 135 करोड़ चेहरों की अगुवाई करता है। आज आपके लिए तिरंगे को लेकर जागरूक और खबरदार बनने का दिन है। आज ये जानिए कि तिरंगे को किसने डिजाइन किया और भारत के करोड़ों लोगों में जोश भरने वाले तिरंगे की यात्रा कैसी रही। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, हम सब ये गीत बचपन से सुनते और गाते आए हैं और आज इस गीत को एक बार फिर गुनगुनाने का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन 1947 में तिरंगे को संविधान सभा ने भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। तिरंगे का डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। वो 50 वर्षों से भी अधिक समय तक महात्मा गांधी से जुड़े रहे। 1916 से लेकर 1921 तक पिंगली वेंकैया ने कई देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर रिसर्च किया। 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज का अपना बनाया हुआ डिजाइन पेश किया। उस डिजाइन में मुख्य रूप से लाल और हरा रंग था, जिसमें लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतीक था। देश के बाकी समुदायों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने उस डिजाइन में सफेद पट्टी डालने की बात कही और इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्र की प्रगति के सूचक के तौर पर भारत के झंडे में चरखे को शामिल करने की अपील की। 1931 में
तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। तब तक तिरंगे में लाल रंग की जगह केसरिया रंग ने ले ली थी। उस वक्त इसे स्वराज ध्वज कहा गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे स्वीकार कर लिया और आजादी के बाद यही तिरंगा भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बना। बाद में रंगों और उसके अनुपात को कायम रखते हुए चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। भारत में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का होना चाहिए। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार होना चाहिए और इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए, जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तीलियां होनी जरूरी है। हालांकि ये सब तकनीकी पहलू है, असली बात यह है कि तिरंगे का सम्मान होना चाहिए और ये काम किसी नियम या कानून से नहीं होता, ये दिल से होता है। हमें उम्मीद है कि आपके दिल में तिरंगा लहराता रहेगा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको उस अंपायर के बारे में बताएंगे जिसने वर्ल्ड कप वाली गलती मान ली है। ये वही अंपायर है जिसने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया। रही खबरदार। अब क्रिकेट वाली सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं। इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में अंपायर की एक गलती ने वर्ल्ड चैंपियन को बदल दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में फेंके गए ओवर थ्रो पर बल्लेबाज बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर जो चौका गया था उसे और 2 रन की दौड़ मिलाकर 6 रन देने के फैसले को अंपायर कुमार धर्मसेना ने अपनी गलती माना। कुमार धर्मसेना ने कहा है कि उस वक्त तक बल्लेबाजों ने सिर्फ 1 रन पूरा किया था और उस गेंद पर 5 रन ही दिए जाने चाहिए थे। फैसला अगर 5 रन दिए जाने का ही होता तो न्यूजीलैंड आज वर्ल्ड चैंपियन होता, यानी वो ऐसी चूक थी जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को जिंदगी भर का डिप्रेशन दे गई। कुमार धर्मसेना ने गलती तो मानी है लेकिन वो ये बता रहे हैं जो गलती हुई वो जानबूझकर नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि उस दिन मुझसे चूक हुई क्योंकि मैं टीवी रिप्ले नहीं देख पाया था। हमारे पास मैदान पर टीवी रिप्ले देखने की सुविधा नहीं होती है और मुझे अपने उस फैसले का कोई मलाल नहीं है। तब मैंने लेग अंपायर से भी बात की थी जिसे मैच के सारे अंपायरों और रेफरी ने भी सुना था। उन्होंने भी टीवी रिप्ले देखे बिना बताया कि बेन स्टोक्स ने 2 रन पूरा किया था। इसके बाद ही मैंने ओवरथ्रो पर 6 रन देने का फैसला लिया था। इसके अलावा आईसीसी ने भी मेरे फैसले की तारीफ की थी। अंपायर धर्मसेना की गलती सुधारी नहीं जा सकती लेकिन यह गलती क्रिकेट के लिए एक सबक जरूर बन सकती है। और अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के लोकतंत्र की बात करते हैं। चौंकिए नहीं, किम जोंग उन के उत्तर कोरिया में भी दिखावे का लोकतंत्र है। वहां चुनाव होता है और किम खुद वोट डालने जाता है। आपको भले ये बात चौंकाए लेकिन उत्तर कोरिया में चुनाव हुए हैं जहां 99.98% लोगों ने वोट डाला है। पूरे उत्तर कोरिया में रविवार को प्रोविंशियल, सिटी और काउंटी असेंबलियों के चुनाव हुए। यह ऐसा चुनाव था जहां किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई दूसरा खड़ा ही नहीं था। सिंगल पार्टी वाले चुनाव में वोटर्स के पास एक ही विकल्प था, उन्हें किम के पसंदीदा उम्मीदवार को चुनना था। उत्तर कोरिया ने कहा है कि सिर्फ वही लोग वोट नहीं डाल पाए जो या तो विदेश दौरे पर हैं या समुद्र में काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अपने लोकतंत्र वाले इस खेल में यह भी बताया कि बूढ़े और बीमार लोगों ने मोबाइल बैलेट बॉक्स में अपने वोट डाले। किम जोंग उन खुद वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन गए। उत्तर हामयोंग प्रोविंस में किम ने 2 उम्मीदवारों जूसोंग और जोंग सोंग सिक के लिए वोट डाले। किम जोंग उन ने 2014 में खुद को भी ऐसे ही एक वोटिंग से जितवाया था। सुप्रीम पीपल्स असेंबली के चुनाव में 100% वोटिंग हुई थी और किम को नेता चुना गया था। ये सब देखकर भारत जैसे देशों के लोगों को खुद को खुशनसीब मानना चाहिए कि हमारे यहाँ अपनी तमाम विषमताओं के बावजूद लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत है। वक्त एक ब्रेक का है, आप रहिए खबरदार। मुंबई में आज एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। यह आग बहुत भयंकर थी और डराने वाली थी क्योंकि आग में करीब 84 लोग फंसे हुए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि दमकल कर्मियों ने सभी लोगों को सही सलामत निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दमकल विभाग ने रोबोट का सहारा लिया। ये रोबोट फायरमैन कुछ ही मिनट के भीतर करीब 3,800 लीटर पानी का छिड़काव कर सकता है।
ये रोबोट सकरे गलियारों से होकर भी जा सकता है। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये पता लगा लेता है कि आग कहाँ लगी है। इसकी मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी खुद सुरक्षित रहकर आग बुझा सकते हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।